सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर दिल्ली पुलिस के सभी भावी सिपाहियों का स्वागत है। 2017 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज का ये हमारा सेट नंबर फर्स्ट है। 5/12/2017 शिफ्ट फर्स्ट में आपके जो 50 क्वेश्चन पूछे गए हैं, इन 50 क्वेश्चन को हम एक्स्ट्रा फैक्ट और डिटेल के साथ कवर करेंगे। टीसीएस कंपनी के न्यू पैटेंट को मद्देनजर रखते हुए जो क्वेश्चन आपके जीके के लगातार एग्जाम में रिपीट होते हैं, उन क्वेश्चनों को हम पूरे टॉपिक वाइज ट्रिक से कवर करेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा, सारे क्वेश्चन मैं आपके माइंड में सेट कैसे करता हूं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको कवर कैसे कराता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है, आपका ऑल सब्जेक्ट जीके का फास्ट रिवीजन होगा और एग्जाम में क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा अल्पाधिकार की परिभाषा सर्वाधिक निकट है? क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा सिगरेट उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड, पूर्ण प्रतियोगिता की आवश्यक शर्तों में से एक है खाली स्थान, कौन सी शर्त है जी? किस एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य होना? जिन क्वेश्चन से एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं उन्हें मैं आपको पूरा टॉपिक वाइज कवर कराऊंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका थर्ड, कौन सी एजेंसी म्यूचुअल फंड के लिए एक विनियामक की भांति कार्य करती है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेबी। अब सेबी की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, स्थापना कब हुई थी इसके आगे पता होना चाहिए, मुख्यालय कहाँ है आपको पता होना बहुत जरूरी है। भारत सरकार द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड की स्थापना, इसका नाम क्या है हिंदी का सेबी में? भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड, स्थापना कब हुई थी इसकी? 12 अप्रैल, याद रखनी है आपको डेट, 12 अप्रैल 1988 को इसकी क्या हुई थी बच्चों? स्थापना आपकी हुई थी। यह एक गैर संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी जी, 3 जनवरी 1992, एक डेट आपको याद रखनी है, 30 जनवरी 1992 को इसे क्या किया गया था? वैधानिक दर्जा दिया गया था। यह संस्था भारतीय शेयर बाजार एवं म्यूचुअल फंड को विनियम करती है। सेबी का मुख्यालय पूछा जाता है कहां पर है? मुख्यालय मुंबई, जबकि इसके क्षेत्रीय कार्यालय कहां कहां है? कोलकाता, दिल्ली एवं चेन्नई, 3 जगह पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 4, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष की गई? क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1921। पूरी डिटेल पता होनी चाहिए आपको। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 में हुई थी। स्वतंत्रता के बाद ना इसका राष्ट्रीयकरण करके ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रखा गया था, जिसे क्या बोलते हैं? SBI। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, SBI का पहले नाम क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, 1921 में स्थापना हुई थी और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? 1 अप्रैल 1955 में क्या हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। यह देश का सबसे बड़ा व्यापारिक बैंक है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है आपका? मुंबई। एक ट्रिक बताता हूँ मैं मुख्यालय याद रखने की, जिस भी बैंक के नाम में है ना आपके बैंक ऑफ इंडिया यदि आ रहा है तो उसका मुख्यालय मुंबई होगा, 99.9%, इतना आपको पता होना जरूरी है। यदि बात करते हैं RBI, एक क्वेश्चन बनता है RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935। राष्ट्रीयकरण कब हुआ था बच्चों? ये आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन ये रिपीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है? अब यहाँ पे तीन टर्म निकल कर आती है, तीनों में एक्सप्लेन करूंगा, जो कि आपको यदि समझ नहीं आई होगी आज बिल्कुल माइंड में सेट हो जाएगी। एक होता है आपका विधायिका, क्या होता है जी? विधायिका। एक नाम सुना होगा आपने कार्यपालिका, विधायिका कार्यपालिका, एक होती है न्यायपालिका। थ्योरी से क्वेश्चन बन जाएगा। विधायिका क्या होती है? विधायिका का काम क्या होता है? विधि का निर्माण करना, किसी नियम या कानून को बनाना कार्य किसका होता है? विधायिका का होता है। उस नियम या कानून को इंप्लीमेंट कराना या उसे लागू करवाना किसका कार्य होता है आपका? कार्यपालिका का। और विधि ने जो आपका नियम या कानून बनाए, विधायिका ने जो नियम या कानून बनाए, कार्यपालिका जो उन्हें इंप्लीमेंट कर रही है, लागू करवा रही है, क्या वो न्याय संगत है भी है या नहीं, ये देखने का कार्य किसका होता है? न्यायपालिका का। 3 वर्ड याद होने चाहिए आपको, विधायिका, विधि का निर्माण करना, जो भी नियम और कानून बनते हैं भारत में या राज्य में विधायिका के द्वारा बनते हैं, कार्यपालिका उसे इंप्लीमेंट लागू करवाना, मतलब लागू कौन करवाएगा बच्चों? सचिव से लेकर DM, आपके DM से लेकर एक चपरासी तक, ये सभी कार्यपालिका के ही क्या होते हैं? सदस्य होते हैं या कार्यपालिका के अंतर ही आते हैं आपके। न्यायपालिका इन्हें देखती है कि न्याय संगत है भी या नहीं। अब क्वेश्चन नंबर 5 का इतना पता चला आपको, इसका राइट आंसर हो जाएगा बजट बनाना। बजट बनाना ये व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है, ठीक है जी, इतना आपको पता होना चाहिए। बजट बनाना विधायिका या व्यवस्थापिका का कार्य नहीं है। सरकार के कार्यक्रमों को लागू करने के लिए वित्तीय संस्थाओं की व्यवस्था बजट द्वारा की जाती है। संसदीय स्वीकृति के लिए ना बजट बनाना और उसे पेश करना सरकार की संवैधानिक जिम्मेदारी है, ना कि आपका व्यवस्थापिका का। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 6, भारत सामाजिक समझौता सिद्धांत के प्रेरणाता कौन है? क्वेश्चन नंबर 6 का आपका राइट आंसर हो जाएगा होब्स भी है, लोक भी है, रूसो भी है।
सभी विकल्प सही है, तीनों ने दिया था ये सिद्धांत जी आपका। होता क्या था, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं मैं आपको। सामाजिक समझौते का सिद्धांत के अनुसार ना राज्य ना देवीय न होकर ना एक मानवीय संस्था है, जिसका निर्माण क्या होता है व्यक्तियों द्वारा पारस्परिक समझौते के आधार पर किया जाता है। इसे प्रतिपादक मानव इतिहास को ना दो भागों में बांटा है, नंबर एक कौन सा है आपका प्राकृतिक अवस्था का काल, नंबर दो नागरिक जीवन के प्रारंभ का काल। ये सिद्धांत की परिणता है ना, ये आपके तीनों है, होब्स, लॉक और रूसो, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा दिल्ली में विधानसभा की स्थापना की गई थी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में रिपीट होते हैं, ये आपको कवर करना बहुत जरूरी है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 69वां संविधान संशोधन द्वारा। डेट पूछी जाती है, 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था आपका, 1991 में हुआ था। बच्चों मेरा हाथ अब कुछ हद तक ठीक हो चुका है, प्रॉपर बिल्कुल बिल्कुल तो 100% तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन लिखने लायक हो चुका है, ठीक है जी। केंद्र शासित राज्य दिल्ली को ना विशेष दर्जा दिया गया था कब, 69 में दिया गया था संविधान संशोधन, 1991 में दिया गया था, ठीक है जी। इस संशोधन में ना दिल्ली के लिए 70 विधानसभा सीटें, कितनी सीटें 70 तो विधानसभा सीटें, और 7 लोकसभा सीटों का प्रावधान किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 8, अनुच्छेद 368 खाली स्थान वर्णित करता है, क्या है जी अनुच्छेद 368 में। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा संविधान संशोधन की संसद की शक्ति। संविधान संशोधन किस देश के संविधान से लिए हुए हमने बच्चों, ये अफ्रीका से लिए गए हैं, कहां से लिए गए हैं अफ्रीका से, विदेशी स्रोत से क्वेश्चन बनते हैं। संविधान संशोधन भाग कौन सा बैठता है आपका, संविधान संशोधन किस भाग के अंतर्गत आते हैं आपका, भाग नंबर बैठता है आपका 20, कौन सा भाग बैठता है जी, भाग नंबर 20। अनुच्छेद नंबर 368 में क्या है, संसद को ना संविधान एवं उसकी व्यवस्था में ना संशोधन की शक्ति प्रदान की गई है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 9, कौन सी हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राखी गढ़ी, क्या जी राखी गढ़ी, राखी राखी कहाँ रहती है हरियाणा, ऐसे याद कर लेना, राखी कहाँ रहती है हरियाणा, राखी गढ़ी है ना हरियाणा के हिसार जिला है, एक कौन सा है जी हिसार, फेमस जिला है वो, हिसार जिले में एक स्थित पुरातात्विक स्थल है। यहाँ पर ना क्या क्या प्राप्त हुए थे, अन्नागार एवं वृक्षा प्राचीकरण के साक्ष्य मिले थे, जबकि कालीबंगा कहाँ है बच्चों आपका, कालीबंगा है राजस्थान में, ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, कालीबंगा कहाँ आपका राजस्थान में है। धोलावीरा आपका कहाँ है, धोलावीरा आपका गुजरात में है, धोलावीरा कहाँ है आपका गुजरात में, और आलमगीर कहाँ है आपका यूपी में है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ऑप्शन के अकॉर्डिंग 4 क्वेश्चन कवर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली में हौज खास क्षेत्र में चार मीनार खाली स्थान द्वारा बनवाई गई थी। क्वेश्चन नंबर 10, चार मीनार किसके द्वारा बनवाई गई थी बच्चों, ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी। अब बात आइए दिल्ली सल्तनत की, दिल्ली सल्तनत में कितने राजवंश आए आपके, 4 आए, कौन कौन से, सबसे पहले जी से गुलाम वंश, के से खिलजी वंश, टी से तुगलक वंश, चौथा है आपका सैयद वंश, पांचवा है आपका लोधी वंश। इनके संस्थापक पूछे जाते हैं, गुलाम वंश कैसे याद कराया हुआ मैंने आपको, ऐबक, ऐबक जल गया, खिरीज खा, बैलो लोदी। गुलाम वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक, खिलजी वंश के संस्थापक जल से जलालुद्दीन खिलजी, टी से तुगलक वंश के संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक, सैयद वंश के संस्थापक खिरीज खा, और लोधी वंश के संस्थापक आपके बहलोल लोधी जी है। इसके बाद क्या होता है, लोधी वंश का एक अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी, और ताजी इब्राहिम लोधी को क्या हुआ 1526 में एक मुगल राजा है उनका नाम था बाबर, जो मुगल काल मुगल मतलब मुगल के संस्थापक है, मुगल काल के क्या नाम था बाबर, इब्राहिम लोधी को हरा गया ना, इसने क्या किया दिल्ली सल्तनत का साम्राज्य खत्म करके किसकी स्थापना की थी, मुगल साम्राज्य की, कब 1526 में, वो नाम क्या दिया गया था उस युद्ध का, पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है जी। और मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने, भी क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब बात करते हैं चार मीनार, अलाउद्दीन खिलजी ने ना ये कब 1296 से लेकर 1316 ईस्वी के शासनकाल में ना दिल्ली में बनवाई थी, ठीक है जी, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, सर्वप्रथम किस भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान वंदे मातरम लोगों को लोकप्रिय गीत बना। क्वेश्चन नंबर 11 का आपका राइट आंसर हो जाएगा लोकप्रिय गीत कौन से उसमें बना था आपका, स्वदेशी आंदोलन, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन थे आपको ये पता होना जरूरी है, नाम था जी इनका लॉर्ड कर्जन, क्या था आपका लॉर्ड कर्जन। कब 20 जुलाई 1905 की बात है, बंगाल विभाजन भी उसी दौरान हुआ था आपका, ठीक है जी। 1905 की बंगाल विभाजन की घोषणा हुई थी कब, 20 जुलाई 1905 में, याद कैसे करोगे, कर्जा होगा था जी, क्या होगा था, कर्जा,
कर्जा होने के बाद क्या हुआ था, इसने बंगाल को विभाजन कर दिया, बंगाल को बांट दिया था या बेच दिया था, ऐसा याद कर लेना। कर्जा हुआ इसलिए बंगाल विभाजन होता है 1905 में। एक डेट पूछी जाती है आपसे, 7 अगस्त 1905 में कोलकाता में ना टाउन हॉल में एक संपन्न हुई थी बैठक, जिसमें बंगाल विभाजन के विरोध में ना स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हुई थी तथा बहिष्कार प्रस्ताव पारित हुआ था। अक्टूबर 1905 में क्या होता है फिर, अक्टूबर 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा प्रभावी हो गई और 16 अक्टूबर 1905 का दिन समूचे बंगाल में एक शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उस टाइम की बात है, लोगों ने उपवास रखे, वंदे मातरम तथा अन्य देशभक्ति गीत गाए। ये आपका तिमाही से आपका फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थान दिल्ली सल्तनत की अल्पकालीन राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देवगिरी थी। कौन सी थी जी आपका, देवगिरी। ये आपका होता क्या था उस टाइम, क्या हुआ था मैटर, एक वो राजा थे पागल राजा, उनका नाम क्या था, पागल राजा भी कहा जाता था। नाम था उनका मोहम्मद बिन तुगलक, इबन बतूता इन्हीं के दरबार में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने ना दिल्ली से लगभग 700 मील की दूर है देवगिरी को राजधानी बनाया था तथा इसका नाम ना बाद में क्या किया था, दौलताबाद रखा था, कुछ समय के लिए बनाई थी ये। पागल राजा था कौन, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 13, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किस राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कहां पर है जी आपका, राजस्थान में है, कुतुबुद्दीन ऐबक। देखो मैं बताता हूँ, उससे भी क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। अढ़ाई दिन का झोपड़ा डायरेक्ट याद रखना, अढ़ाई दिन में बना दिया था जी, राजस्थान में स्थित है। बनवाया किसने था, कुतुबुद्दीन ऐबक है ना, दिल्ली की गद्दी पर बैठा था कब, 1206 में। किस वंश की स्थापना की थी, गुलाम वंश की, दिल्ली सल्तनत में पहला काल था गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, 1206 में स्थापना की थी इसने है ना। कुब्बत उल इस्लाम मेहरौली दिल्ली और ढाई दिन का झोपड़ा बनवाया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं, कुब्बत उल इस्लाम कहां पर स्थित है आपका, मेहरौली दिल्ली में। बनवाया किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ढाई दिन का झोपड़ा कहां है आपका, अजमेर राजस्थान में। इसका निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। इसने है ना प्रसिद्ध सूफी संत एक कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में ना दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी, जिसे इल्तुतमिश ने पूरा कराया था। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने रखी थी। कार्य इसका कंप्लीट बाद में किसने कराया था, इल्तुतमिश ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 14, योसंग त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कहां पर मनाए जाते हैं, मणिपुर में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 15, कश्मीर की पूर्वी सीमा है कौन सी है, कश्मीर की पूर्वी सीमा, कश्मीर की पूर्वी सीमा कौन सी है बच्चों, लद्दाख। कौन सी है जी आपका, लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच स्थित है, यह केंद्र शासित प्रदेश है। अब देखो इसका राइट आंसर इसके अकॉर्डिंग होता क्या है, लद्दाख क्षेत्र है जी, ग्लेशियर नहीं होने का, गिलगिट बलूचिस्तान नहीं होने का, काराकोरम तो होने का ही नहीं, क्या होगा आपका, लद्दाख क्षेत्र। लद्दाख के उत्तर में काराकोरम पर्वत और दक्षिण में आपका कौन सा हो जाएगा, दक्षिण में हिमालय पर्वत के बीच में स्थित है ये। क्वेश्चन नंबर आपका 16, जलपाईगुड़ी खालिस्तान नदी के किनारे पर स्थित है, क्या है जी। क्वेश्चन नंबर 16 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जलपाईगुड़ी किसकी नदी किनारे स्थित है आपका, तिस्ता नदी के। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा, तिस्ता नदी क्या होती है बच्चों, ट्रांस हिमालय नदी है जो सिक्किम और पश्चिम बंगाल से गुजरती है, इतना आपको पता ही है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक सहायक नदी है और तिस्ता नदी के किनारे ये आपका बसा हुआ है, कौन सा, जलपाईगुड़ी। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा भौतिक लक्षण सिंधु और गंगा नदी की घाटियों के बीच जल विभाजक की भांति कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल विभाजक की तरह, अरावली रेंज। कौन सा जी, अरावली रेंज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 18, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बेरिन आइसलैंड कहां पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंडमान द्वीप समूह में है जी आपका। यह अंडमान द्वीप समूह बेरिन द्वीप में ज्वालामुखी है जो राजधानी पोर्ट ब्लेयर से लगभग 140 किलोमीटर दूर स्थित है, यह भारत का एकमात्र ज्वालामुखी है सक्रिय। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में विश्व के कपास निर्यातक देशों में भारत का स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 3rd स्थान है जी, 2019 के अकॉर्डिंग की बात है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, भारत का कौन सा क्षेत्र अपनी वर्षा का अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी मानसून से प्राप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा है जी, ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल और रायलसीमा। अब मैं बताता हूँ, यहाँ डायरेक्ट स्टेट के भी नाम दे देते हैं, उत्तर पूर्वी, देखो लॉजिक बता देता हूँ, लॉजिक समझ लेना, कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होने का। पूर्वी, पश्चिम,
उत्तर दक्षिण, इसे क्या बोलते हैं, लौटता हुआ मानसून, लौटता हुआ मानसून बोलते हैं इसे। ये तो हमारा भारत होगा, ये लोग इधर एंट्री कहां से करेगा, केरल से, जैसे ही घूम के आएगा बाद में सर्दियों के टाइम लौटता हुआ मानसून बन जाता है। और पूरा और उत्तर की साइड ना, यदि आपका कोरोमंडल और रायल सीमा ना होता तो यहाँ पर तमिलनाडु यदि ऑप्शन होता स्टेट वाइज तो तमिलनाडु होता है, और वैसा आपका कोरोमंडल और क्या है आपका रायल सीमा, ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। इतना पता होना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, स्टेट की बात करेंगे तमिलनाडु, और अन्यथा आपका कोरोमंडल और रायल सीमा ठीक राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, जब एक गतिशील पिंड की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या परिवर्तित होता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चौगुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है, चौगुनी, किसके द्वारा, के बराबर हाफ एम वी स्क्वायर, जहां आपका वी बराबर कितना है 2, वी 2 बराबर क्या है बच्चों आपका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 22, निम्नलिखित में से किसकी विशिष्ट ऊष्मधारिता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसकी होती है, जल की। किसी वस्तु के ना एकांक द्रव्यमान के ताप को ना 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को ना उस वस्तु के पदार्थ की क्या कहते हैं, विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं या विशिष्ट धारिता कहते हैं। इसका मात्रक पूछा जाता है, मात्रक होता है इसका जूल पर किलोग्राम होता है, कैल्विन भी बोला जाता है, कैल्विन। पानी की विशिष्ट ऊष्मा धारिता सबसे अधिक होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 23, तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री से व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण खाली स्थान कहलाता है, क्या कहलाता है जी। राइट आंसर हो जाएगा आपका क्या था क्वेश्चन, ये हमारा तापमान को किसी विशिष्ट डिग्री में व्यवस्थित करने के लिए प्रयुक्त होने वाला उपकरण क्या कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्टेट। क्या हो जाएगा आपका, थर्मोस्टेट। ये उपकरण कार्य क्या करता है बच्चों, थर्मोस्टेट एक ऐसा उपकरण है ना जो आवश्यक तापमान को बनाए रखने के लिए ना प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से एक या अधिक ताप स्रोतों को ठंडे स्रोत को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 24, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है आपको, मनुष्य के नाखून खाली स्थान के बने होते हैं। मनुष्य के नाखून किसके बने होते हैं आपके, क्वेश्चन नंबर 24 था हमारा, मनुष्य के स्थान कहीं के बने होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कहें के कैरेटीन के, कहें के होते हैं कैरेटीन। कैरेटीन मानव शरीर में पाए जाने वाला एक प्रोटीन होता है बच्चों, जो कि बाल, त्वचा और नाखून का निर्माण करता है, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी धमनी मानव शरीर में ऑक्सीजन युक्त रक्त का परिवहन करती है। क्वेश्चन नंबर 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पल्मोनरी आर्टरी होता क्या है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 26, हरे पालक में प्रचुर मात्रा में खाली स्थान होता है, क्या होता है जी हरे पालक में। राइट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, सभी विकल्प होते हैं। विटामिन की खोज किसने की थी बच्चों, फंक ने की थी। जब भी क्वेश्चन में मेरा आपके सामने आया है तो तब भी मैं रिवाइज कराया, फंक ने कब की थी, 1911 में की थी। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनोल, विटामिन बी का थायमिन, थेरथ, ए विटामिन सी का एस्कोर्बिक एसिड होगा आपका, विटामिन डी से कैल्सिफेरॉल होगा। रासायनिक नाम और होने वाले रोग आपको पता होने जरूरी है, क्वेश्चन यहीं से आएगा इस बार आपका। कौन से हाइड्रोकार्बन एलपीजी के मुख्य घटक है। क्वेश्चन नंबर 27 का घटक है कौन कौन से है आपको ये बताना है, मिथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, बेंजीन और केवल आपका मिथेन। राइट आंसर हो जाएगा प्रोपेन और ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। जो आपकी एलपीजी होती है ना द्रवित पेट्रोलियम गैस में, इसमें प्रोटेन, ब्यूटेन तथा आइसोब्यूटेन हाइड्रोकार्बन का क्या होता है बच्चों, ये मिश्रण होता है, डायरेक्ट पता होना चाहिए। यदि आपकी रसोई में रिसाव हो रहा है, गंध सी आती है उसकी कहेगी गैस की, तो वो दुर्गंध वाला पदार्थ क्या मिला जाता है उसमें जिससे दुर्गंध आती है, उसका नाम होता है मरकैप्टन। क्या होता है जी आपका मरकैप्टन, थोड़ा गलत अच्छा सा नहीं लिखा जा रहा हाथ से भी। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से कौन सा गलेना के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 का गलेना के नाम से ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका, लेड सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्रोव वनस्पति है। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रोइजोफोरा, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका रोइजोफोरा है ना एक मैग्रोव वनस्पति है, समुद्र के खारे पानी के ना तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है, उष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में मिलती है। क्वेश्चन नंबर आपका 30, वायु प्रदूषण खाली स्थान क्या है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वायु की गुणवत्ता दर्शाने वाला एक पैमाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से किस परिस्थितिकी तंत्र में व्यतिक क्षेत्र पाया जाता है।
31 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल परिस्थितिकी तंत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32, बाल दिवस 2017 के मौके पर किस राज्य सरकार ने बच्चों के लिए मुख्यमंत्री साला सुरक्षा योजना शुरू की। क्वेश्चन नंबर आपका 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छत्तीसगढ़। पुराना क्वेश्चन है बच्चों, इतना आपको पता ही होना चाहिए, डायरेक्ट मैं आंसर कराऊंगा कवर। क्वेश्चन नंबर 13, भारत सरकार की संपदा योजना से संबंधित है कौन है। राइट आंसर हो जाएगा भारत सरकार की संपत्ति से बच्चों संपदा योजना है नाम, क्या है इसका, संपदा योजना से संबंधित है, क्या है ऑप्शन नंबर बी, खाद्य प्रसंस्करण। इतना आपको पता होना चाहिए, शुरुआत कब हुई थी 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 34, वर्ष 2017 में भारतीय नौसेना की सेवा में शामिल निम्नलिखित में से कौन सी एक भारत निर्मित परमाणु पनडुब्बी है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरिदमन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 35, डीजी लॉकर के बारे में क्या सत्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 GB भंडार स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, ये आपका गलत है, अन्यथा सारे सही, मतलब सॉरी एक मिनट रुको, देखो इसमें क्या पूछा, सत्य नहीं है, क्या नहीं है, 1 GB का भंडारण स्थान उपलब्ध करवाया जाता है, ये आपका सत्य नहीं है, अन्यथा और अब से आपके सारे सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 36, 2020 ग्रीष्म ओलंपिक खेलों की मेजबानी खालिस्तान द्वारा कराई गई थी आपकी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोक्यो के द्वारा कराई गई थी, किसके द्वारा, टोक्यो जापान में हुई थी, कोरोना महामारी के दौरान है ना बच्चों, 21 के मध्य तक इसे स्थगित करने का निर्णय भी ले लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, अंडर 17 फीफा विश्व कप 2017 कहाँ आयोजित किया गया था। ये आपके ओल्ड क्वेश्चन है, आपको करंट अफेयर के वर्तमान के कवर करने, 22-23 के, क्या है जी क्वेश्चन नंबर 17 का, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ किया था आपका, भारत, ऑप्शन नंबर थर्ड भारत ही है, इंग्लैंड ने स्पेन को पराजित किया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 38, चीन ने एक रणनीतिक स्थल हम्बन टोटा बंदरगाह में 70% हिस्सा खरीद लिया, या बंदरगाह किस देश में स्थित है। कौन सा नंबर आपका 38 का, या बंदरगाह आपका है कहां पर, श्रीलंका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 39, नेपाल और भूटान ने हाल ही में भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु निम्नलिखित में किस उद्यम का सहयोग मांगा है। क्वेश्चन नंबर 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, NPCI द्वारा, ये इसमें क्या गया है, NCPI है क्या, ये भारत की डिजिटल पेमेंट सर्विस का प्रयोग करने हेतु ना NPCI का सहयोग मांगा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम भारत के ना खुदरा भुगतान से संबंधित कार्य करता है, इसकी स्थापना कब हुई थी 2008 में आपकी, 2008 में की गई थी, मुख्यालय कहाँ है इसका, मुंबई में स्थित। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 40, 47वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में गोल्डन पीकॉक अवार्ड किस फिल्म ने जीता है। गोल्डन अवार्ड किस फिल्म ने जीता है बच्चों, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर, ये डॉक्टर है जी, डॉक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 41, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र में असाधारण वीरता के लिए IMO अवार्ड से सम्मानित होने वाला विश्व की प्रथम महिला बनी है। क्वेश्चन नंबर 41 की आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, राधिका मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, भारत सरकार का GEM पोर्टल खालिस्तान से संबंधित आपका है, GEM है क्या बच्चों, ये है आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, सार्वजनिक खरीद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 43, भारत सरकार द्वारा हाल ही में बनाए गए मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य क्या है। क्वेश्चन नंबर 43 का आपका मुद्रा बैंक का मुख्य कार्य ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी, सूक्ष्म उद्योगों को ऋण एवं वित्तीय उपलब्ध कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, भारत और बांग्लादेश के बीच किस नदी के जल के बंटवारे को लेकर विवाद है। क्वेश्चन नंबर 44 किस नदी को लेकर बंटवारे के बच्चों है आपका, यह आपका है नदी का नाम तीस्ता नदी, क्या नाम है, तीस्ता नदी, भारत और बांग्लादेश के मध्य ना तीस्ता नदी के जल बंटवारे को लेकर विवाद है। तीस्ता नदी भारत के सिक्किम राज्य से निकलकर पश्चिम बंगाल में होते हुए ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है, ये मैं आपको लास्ट क्वेश्चन में भी कवर करा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 45, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है, खालिस्तान, रियो शिखर सम्मेलन का संबंध किससे है, खालिस्तान बोले तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जैव विविधता पर सम्मेलन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, नदियों के जल प्रदूषण के स्तर को खालिस्तान द्वारा मापा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ऑक्सीजन की विघटित मात्रा के।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 47, हग 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 हेपनर का 91 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया 2017 में, वे क्या थे? वे कहेंगे संस्थापक थे। 47 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्लेबॉय पत्रिका के। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 48, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए निम्न पहले रामनाथ कोविंद किस राज्य के राज्यपाल थे? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कहाँ के थे जी? बिहार के थे। रामनाथ कोविंद भारत के कभी राष्ट्रपति थे बच्चों, आपके 14वें थे, ठीक है। पहली बार इससे पहले 3 बार राज्यपाल रह चुके, कहाँ के? इससे पहले बिहार के राज्यपाल भी थे, ऐसा याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में कौन सा शहर खुले में शौच से मुक्त होने वाला भारत का पहला शहर बना है? 49, क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैसूर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 50, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य टाइगर कॉरिडोर, टाइगर कॉरिडोर में एक नहर पर पर्यावरण के अनुकूल पुल का विकास करेगा? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेलंगाना आपका करेगा। तेलंगाना में ना 72 किलोमीटर लंबी एक नहर के ऊपर ना अपनी तरह का एक पर्यावरण अनुकूलन हरे भरे पौधों, हरे भरे पुलों का निर्माण किया जाना वर्ष 2017 में प्रस्तावित किया गया है। इसमें इस क्षेत्र के वनों में रहने वाले बाघों का विचरण करने में सुविधा होगी। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके साथ हमारी जो दूसरी सीरीज स्टार्ट होगी वो 9 बजे से हमारी, जो मैं 18 पेपर आपके करा चुका था चोट लगने से पहले, कल से वो भी आपकी स्टार्ट होगी। कल से आपकी 2 GK की क्लास, एक साइंस, एक आपकी कंप्यूटर की, एक मैथ की और एक आपकी GK की, कल से आपको पर डे डबल क्लास मिलेगी, ठीक है बच्चों। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब